हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी जानते हैं इस चैनल पे मैं आप सभी को एजुकेशन देता हूं मैथमेटिक्स और तेलुगु की। और माय डियर स्टूडेंट, बहुत दिनों का इंतजार आज खत्म हुआ। जैसे आप सभी ने अप्रैल में एग्जाम लिखे थे और बहुत ही कॉन्फिडेंशियली एग्जाम्स लिखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स वेरी सैडली फेल हुए थे। लेकिन वो स्टूडेंट्स हिम्मत नहीं हारे हैं, वो स्टूडेंट्स नहीं हिम्मत नहीं हार कर अपना एग्जाम जून में लिखे हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, चाहे इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, वो टेंथ क्लास स्टूडेंट हो। क्योंकि पहली बार इस तरह हुआ है कि आज एक सेम डे इंटरमीडिएट और टेंथ का रिजल्ट रिलीज हो चुका है। अगर कोई स्टूडेंट्स अभी तक चेक नहीं किए हैं तो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इंटरमीडिएट का रिजल्ट आप चेक करना चाहते हैं तो TSBIE पे चेक कर सकते हैं, और इंटरमीडिएट बोर्ड की वेबसाइट है। और SSC स्टूडेंट्स चेक करना चाहते हैं तो BSE तेलंगाना पे अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। फाइनली आप सभी का रिजल्ट आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर हम निकल गए, हम पास हो गए हैं, हम क्रैक करें 10। जो जो भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मेरे इस चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फ्यूचर अच्छी तरह सेट कर पाओगे और अपना कॉलेज में जाकर अपने जो ख्वाहिश होती है वो सारी आप पूरी कर पाओगे। कुछ स्टूडेंट्स सैडली हो सकता है फेल हो गए होंगे अभी तक, वैसा मैसेज तो मुझको नहीं आया है। लेकिन हिम्मत हारना नहीं है, ये पहला स्टेज नहीं है, लाइफ और बहुत बड़ी है, लाइफ में और बहुत करना बाकी है, हिम्मत नहीं हारना है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, और जो स्टूडेंट्स भी पास हुए हैं उन स्टूडेंट्स को मैं दिल से कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं। और उसी तरह आप कमेंट करके मुझको बतलाना कि आप भी पास हो गए हैं, मुझको भी खुशी होगी, मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा कि मेरे स्टूडेंट्स भी पास हुए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी हैप्पी होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपका स्टडी आगे और अच्छी हो। कुछ यहाँ पर आपके कमियाँ हो गए होंगे या कुछ सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स की ओर से हो सकता है, मे बी फेल हो गए होंगे, लेकिन इसको रिकवरी आप कीजिए अपने इंटरमीडिएट या जो भी आप ग्रुप चूज करते हैं, या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, ITI करना चाहते हैं, जो कुछ भी पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा डेडिकेशन के साथ पढ़िए। एक बार आपको धक्का लग चुका है, एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया है टेंथ क्लास का, फेलियर क्या होता है आपको पता चल गया है, तो आगे इस तरह अपनी लाइफ को सेट कीजिए कि कभी इस फेलियर का सामना करना ना पड़े। क्योंकि फेलियर से एक तो आपका हौसला पस्त हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं आप और सैड हो जाते हैं, और फेलियर लोगों के सामने बेइज्जत भी हमको कराता है। इसलिए इन सारे चीज़ों से आप कुछ ना कुछ सबक सीखे होंगे, और आगे की पढ़ाई जारी रखिए। इस रोशन सर को, इस गरीब सर को मत भूलिए। अभी नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आप शायद नेक्स्ट और वीडियोस देखेंगे। टेंथ क्लास में थे जब तक मेरे चैनल पे आप फॉलो करते थे, और आप सभी का ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर का धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं बल्कि आप मेरी फैमिली हो। एक एक सबके सब्सक्राइबर मैं जब बढ़ाते चले गया तो मैं खुश होता था कि चलिए मेरी फैमिली और बढ़ती जा रही है। तो ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर मेरी फैमिली है, और जितने भी YouTube पे मेरे सब्सक्राइबर है सारे मेरी फैमिली है। इसलिए कुछ अफसोस तो होता है आपसे बिछड़ने का, आपसे जानने का, हम नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, लेकिन YouTube पे कमेंट के द्वारा, दूसरे और आपके सब्सक्राइबर सब्सक्राइब के द्वारा मुझसे आप कांटेक्ट बनाए रखे थे, एक अलग सा रिश्ता हमारा बन गया था। फाइनली अभी वो ख़त्म हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, और फिर एक बार सभी स्टूडेंट्स को वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेट।